गुमला के सदर अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि भारत देश में पोलियो जैसी श्रापित बीमारी खत्म हो गई है। वहीं निरंतर चल रहे कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जिससे कभी न खत्म होने वाले इस समस्या को दूर भगाया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस अभियान को सफल बनाइए, जिससे फिर भविष्य में ये बीमारी नहीं आए। गुमला जिला में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। इसके लिए बूथ्स बनाए गए हैं, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर, जिसमें वहाँ स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे और सभी को पोलियो की ड्रॉप देंगे। इसकी पूरी तरह से एक माइक्रो प्लानिंग पूरे गुमला जिला में की गई है, तो मुझे लगता है कि एक भी बच्चा इस बार नहीं छूटे, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि काफी पुराना प्रोग्राम है और गुमला भारत से यह पोलियो खत्म हो गया है, लेकिन वापस फिर से ना आ जाए, तो इसके लिए यह प्रोग्राम साल में एक बार हम लोग चलाते हैं और जिसमें सारे बच्चों को कवर करते हैं। पोलियो आप लोग सभी को पता है काफी गंभीर बीमारी है, जिसमें जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनको उनका जैसे पैर वगैरह खराब हो जाता है, विकलांग हो जाते हैं, फिर उनकी जो जीवन आगे का जीवन रहता है काफी तकलीफदेह हो जाता है। तो इसी को रोकथाम कर रहे हो, जबकि इसको सिर्फ दो दवाई पिला कर ही इसका रोकथाम पूरी तरह से कर सकते। तो जितने भी माताएं बहने हैं, सबसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि अपने जितने अपने जो बच्चे हैं 5 वर्ष तक के, जरूर उसको पोलियो का ड्रॉप दें। पूरे भारत में बहुत दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है, इसको इस बार भी हम लोग पूरे तन्मयता से करें, इसी आशा के साथ आज हम लोग इसका प्रारंभ कर रहे हैं। वहीं पोलियो की खुराक पिलाने आई माताओं ने इस कार्यक्रम की सराहना की, साथ ही सभी माताओं ने पोलियो की खुराक पिलाने के लिए लोगों से अपील की। ये एक अभिशाप है हमारे देश के लिए, क्योंकि किसी को अपंग होना, अपंग होना अच्छी बात तो है नहीं, तो हमारी सरकार जो है बहुत सारी पहल कर रही है और उन्हीं की योजना है कि हम पोलियो पिलाएं, तो हम भी आगे आगे अपने बच्चों को पोलियो पिलाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि पोलियो मुक्त भारत बने, तो हम भी सरकार को योगदान देना चाहते हैं, तो हम भी पिलाएंगे। और हम सभी को यही बोलते हैं कि सभी को आगे अपने बच्चों को लाए और 2 बूंद पिलाए, क्योंकि ये 5 मिनट का समय है, लेकिन ये हमारी भविष्य संवार शक्ति है। हम बोलिए, हम अपना बच्चा को लेकर आए हैं, हाँ। 3 साल का है, पोलियो का ड्रॉप पिलाने के लिए, ताकि ये आगे जाके इस बीमारी से बीमारी ना हो इसको, जो इस होता है कि दोनों पैर बेकार हो जाता है, और इस पोलियो का ड्रॉप पिलाने से इस बीमारी से बच्चा लोग स्वस्थ रहता है, बचता है। वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि बच्चों के पोलियो जरूर पिलाना चाहिए, जिससे श्रापित बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।